जेलर जैसी कमाल की मूवी देने के बाद रजनीकांत सर की और एक मूवी आने जा रही है जिसका नाम है भेंटिया। इस फिल्म में रजनीकांत सर के साथ अमिताभ बच्चन, फहद फासिल एंड राणा दग्गुपति जैसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर और अमिताभ बच्चन 33 इयर्स के बाद फिर से रियूनाइट होने जा रहे हैं जिसकी वजह से मैं इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इस फिल्म को टीजे गैम्बल ट्रैक कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले जेबिन जैसी आउटस्टैंडिंग मूवी दे चुके हैं। इस फिल्म की 1:38 की एक प्रीव्यू रिलीज किया गया है यानी कि एक छोटी सी टीजर। पर ये क्या मजाक है, टीजर सिर्फ अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है, अभी तक हिंदी में नहीं आई है, सबटाइटल भी अच्छे से काम नहीं दे रहा है, इसलिए स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। टीजर में हमें देखने को मिलता है कि रजनीकांत सर का कैरेक्टर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और उनके खिलाफ शायद किसी फेक एनकाउंटर की ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं सत्यदेव नाम के एक वकील जिसको प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन सर। टीजर देखा जाए तो अच्छी है। रजनीकांत सर और अमिताभ बच्चन को एक साथ देखना किसी सपने से कम नहीं है। टीजर की लास्ट के कुछ सीन काफी अच्छे हैं। टीजर लेवल पे कुछ खास एक्शन तो देखने को नहीं मिलते पर रजनीकांत सर की एनर्जी उनके परफॉर्मेंस को देख के मजा आता है। 73 इयर्स में भी इतनी एनर्जेटिक रहना ये सच में बहुत बड़ी बात है। उनकी ओरा आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 90s में हुआ करती थी। उनकी वजह से सूर्य की मूवी कंगूबा को भी पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि 10 अक्टूबर को भेंटिया आने वाली है। पर टीजर में जो स्टोरी देखने को मिल रही है वो काफी सिंपल है, कुछ यूनिक स्टोरी नहीं है। ऊपर से अभी ही रजनीकांत सर को हमने जेलर में पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा है और अब फिर से वैसे हो सकता है फिल्म में कुछ सरप्राइज फैक्टर हो। ऐसे भी ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टीजर है जिसमें सिर्फ रजनीकांत सर के कैरेक्टर के बारे में और स्टोरी के बारे में थोड़ी बहुत बताई गई है, इसे लेके फिल्म को जज करना सही नहीं होगा। खैर टीजर में जो सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है वो काफी अच्छी है लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलती है वो काफी रोटेट फील देती है। वैसे तो अनिरुद्ध की बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छी होती है, सुन के मजा आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी हर म्यूजिक एक जैसी फील देती है जैसे कि जेलर मूवी की हुक्म संग और इस टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक को ही देख लो, काफी सिमिलर वाइब दे रही है। दोनों मूवी की टाइटल ट्रैक एक जैसी फील देती है, आप खुद ही सुनना अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्टोरी थोड़ी अच्छी हुई और रजनीकांत सर को अच्छे से प्रेजेंट किया गया तो कोई शक नहीं है कि फिल्म 500 करोड़ बड़े आसानी से क्रैश कर देगी। वैसे आपको टीजर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।